तो फ्रेंड आप कहेंगे थे मुझे पता है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन जिसको पता नहीं उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड आप अपना पूरा कॉन्टैक्ट नंबर को किसी भी ईमेल आईडी में बड़ी आसानी से क्विक ट्रांसफर कर पाएंगे। एंड आप अभी जो भी ब्रांड का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं लाइक सैमसंग, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, जो भी फ़ोन है आपके पास, सब में प्रोसेस अभी सेम है। इन फ्यूचर कभी चेंज हुआ तो आप सब मुझे कॉमेंट कीजिएगा, तब मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड एंड में मैं आप सबको दिखा दूंगा कैसे जब भी आप किसी कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करें तो अपना ईमेल आईडी में ही सेव हो, ओके। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है नजमुल खान, आप सब लोगों को हमारा चैनल क्रॉस ऑफ क्यूरियोसिटी में स्वागत है। तो फ्रेंड ये वेरी इजी प्रोसेस है, जस्ट प्रोसेस को फॉलो करना। ये मैं अपना रेडमी मोबाइल फ़ोन में दिखा रहा हूँ, आप अपना किसी भी मोबाइल फ़ोन में ये प्रोसेस कर पाएंगे, ओके। तो इसके लिए पहले आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उसको पहले बैकअप लेना पड़ेगा, मतलब उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग पे जाके यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या यहाँ पे इसमें बाहर ही आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पे जाके आप अपना पूरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसको स्टोरेज में एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट टू स्टोरेज पे टैप करना है। एंड ये पूरा फाइल बैकअप कहाँ किस फोल्डर में हो रहा है वो यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका ये पूरा फाइल कुछ टाइम के बाद पूरा बैकअप हो जाएगा, ओके। अब इसको बैक कर लेना है। एंड बैक करने के बाद आपको जीमेल में जाना है, तो यहाँ पे जो जीमेल है इस जीमेल पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद जिस ईमेल आईडी में आप अपना पूरा कॉन्टैक्ट नंबर को बैकअप लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसको इस जीमेल ऐप में लॉगिन करके रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आइकॉन है इस आइकॉन पे टैप कीजिए। एंड यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे चला जाइए। यहाँ पे जाने के बाद इसको हल्का सा स्लाइड कीजिए। एंड यहाँ पे पीपल एंड शेयरिंग का ऑप्शन है, इस पर टैप कीजिए। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। अभी मेरे पास एक भी कॉन्टैक्ट इस ईमेल आईडी में बैकअप नहीं है, इसलिए जीरो यहाँ पे दिखा रहा है, नो कॉन्टैक्ट एड दिखा रहा है, मतलब एक भी कॉन्टैक्ट नंबर इसमें नहीं है। तो अब इस पर टैप कीजिए। एंड टैप करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साइड पे जो थ्री लाइन है इस पर टैप कीजिए। अब टैप करने के बाद यहाँ पे भी आपको इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप कर दीजिए। अब फ्रेंड यहाँ पे आपको फाइल को चूज़ करना पड़ेगा। आपको पता है कि फाइल कहाँ पे आपका बैकअप हुआ था वो जब आपने एक्सपोर्ट किया था, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करके आपको वहाँ से जाकर वो फाइल को चूज़ करना है। तो सिंपल से इसके ऊपर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद ये फाइल यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट पे टैप करने के बाद कुछ टाइम लेता है, कुछ मिनट का टाइम लेता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पूरा जितना भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए मेरा जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर था 352 पूरा नंबर यहाँ पे मेरा इसी ईमेल आईडी में इंपोर्ट होके आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके फ्रेंड आप पूरा जितना भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है अपना ईमेल आईडी में किसी भी ईमेल आईडी में सेव कर पाएंगे, बैकअप लेके रख पाएंगे या ट्रांसफर कर पाएंगे, ओके, जो भी कहे आप। तो फ्रेंड ये कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा ईमेल आईडी पे सेव करने से बहुत बड़ा फायदा होता है। जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करें तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसी ईमेल आईडी से उस मोबाइल फ़ोन में आपको लॉगिन करना है, उसके बाद पूरा कॉन्टैक्ट नंबर आपका उस मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर को ईमेल आईडी में सेव करना कितना फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड अब से आप जो भी नंबर सेव करेंगे तो उसी ईमेल आईडी पे आप सेव कीजिए। तो वो कैसे करना है इसके लिए आपको मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो एक नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। एंड टाइप करने के बाद यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट में चला जाता हूँ। तो जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाएगा, आपका डिवाइस एंड जितना भी आपका मोबाइल में ईमेल आईडी लॉगिन है सब यहाँ पे शो करेगा। तो आप जिस ईमेल आईडी में अपना नंबर बैकअप लेके रखा तो उसी ईमेल आईडी को चूज कीजिए। एंड चूज करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज हो गया। बाद में आप चाहे तो इसको चेंज भी कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऊपर में टैप करके आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं सेव करके रख देता हूँ। अब जाके फ्रेंड आप यहाँ पे अपना कुछ भी नेम देके मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद आपका ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये अपना ईमेल आईडी में ही सेव हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी भी न्यू कॉन्टैक्ट नंबर को भी अपना ईमेल आईडी में सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ तो सपोर्ट मांगता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।